हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। वो यह है कि अक्सर हम छोटे बच्चों को स्कूल टाइम पे पूछते हैं कि बड़ा हो के तुम क्या बनना चाहते हो, या फिर हम लोगों को किसी ने बचपन में पूछा होगा कि बड़ा हो के तुम क्या बनना चाहते हो। ये मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, वो कैसे मैं बताता हूँ। अभी देखो, शिक्षा का जो सिस्टम है वो एक रिचार्ज सिस्टम है। फ़ोन पे रिचार्ज किया तो बात किया, ठीक है, रिचार्ज नहीं किया तो हमारा कॉल ही नहीं जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हमारा शिक्षा का भी है, पढ़ाई का भी। ठीक है, हम स्कूल पे फीस भरते हैं तभी हमारा बच्चा स्कूल जा पाता है और सीखता भी है। ठीक है, कॉलेज में हम फीस भरते हैं तभी अपना बच्चा उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट इंजीनियर बनना चाहता था, ठीक है, और आर्थिक स्थिति के खराब होने के वजह से वो किसी वेस्ट इंस्टीट्यूट में वो अपना एडमिशन नहीं करवा पाता है और घर में पड़ा रहता है। क्या ऐसे में उनका सपने पूरे होंगे? नहीं ना, तो ये सवाल ही गलत हो गया ना। उनके जो सपने हैं क्या पूरे होंगे? हालांकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं मांगी जाती है, सिर्फ अपना जो मांग है उनको रखा जाता है। जैसा कि MLA MP लोगों का, आप उनका एजुकेशन प्रोफाइल कभी किसी कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, कि मैक्सिमम क्राइटेरिया MLA MP का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, आपको कहीं मिलेगा नहीं। लेकिन जो लोग होते हैं वहाँ पर आपको बिल्कुल सटीक लोग मिलेंगे। ठीक है, चाहे कोई एजुकेशन नहीं भी हो, जो उनका जो मिशन होता है वो एकदम राइट होता है, तभी उनको लोग वोट देते हैं। और कुछ लोगों का मानना यह भी है कि हमारे जिस क्षेत्र में इंटरेस्टेड हैं उसी क्षेत्र में काम करेंगे। मेरे ख्याल से ये सोच भी गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि हमें पैसे काम करने के पैसे मिलते हैं। ठीक है, हमारा एम क्या है? मनी। ठीक है, हालांकि ये भी हो सकता है कि हम इंटरेस्टेड नहीं हैं तो जॉब को छोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे ओर से जो एम होना चाहिए, जो कोई एक सज्जन को लगता है कि लंबी कोर्स करने के बाद वो डॉक्टर बन जाता है और फिर उनको सडनली लगता है कि मैं गलत जगह पे आ गया, मुझे और कुछ करना चाहिए। ठीक है, ये भी गलत सोच है, क्योंकि जो जिम्मेदारी सामने है वही हमें करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि डिग्रियाँ सस्ते पे मिल रहा है, ठीक है, कि और एक कोर्स कर लो और फिर दूसरा जॉब ज्वाइन कर लो। इसका मतलब आप खर्चे में पढ़ने जा रहे हो।